सबको पहले तो बहुत सारा प्यार। और मैं हूँ अभी 20 मिनट 15-20 मिनट तो बहुत ही चिल होकर बात करेंगे, रश नहीं करेंगे। 50,000 60,000 लोग आ जाए तो बात शुरू करते। कितने हो गए? ओके, 2 पेटी। भाई ने पूनम पांडे के, पूनम पांडे देखो जिंदा है, उसकी खुशी हुई, लेकिन पूरे कल के दिन के घोड़े लगा दिए उसने यार। मैं लाइव आने वाला था, पूनम पांडे के चक्कर में मैं लाइव नहीं आया। ऐसे थोड़ी अवेयरनेस होती है यार। आप भी मत जिंदा हो जाओ, आप भी मर के जिंदा हो जाओ। पूनम पांडे अंडरटेकर निकली भाई, मर के जिंदा हो गई। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई उमर, थैंक यू सो मच ब्रो। आसिफ खान मुबारक हो, थैंक यू सो मच भाई। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें बताऊंगा आप लोगों को आज, मजेदार, मजा आ जाना चाहिए जनता को। सब लोग बोल रहे थे लाइव आ जाओ लाइव आ जाओ। मैं पिछले एक हफ्ते से सबको एक ही चीज़ बोलते हुए सुन रहा हूँ कि पूरा एक हफ्ता हो गया आप लाइव नहीं आए। तो दोस्तों, लाइव आने का कोई, डिले करने का कोई रीज़न नहीं था। मैं बस सोच रहा था कल जाऊँ और वेट ही कर रहा था आपसे बात करूँ। यूजी भाई कैसे हो? अली भाई, अली ब्रदर्स, सबको बहुत सारा प्यार। मैं अभी शुक्रिया से शुरू करना चाहूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये जो सफ़र था वो बहुत ही बेहतरीन सफ़र रहा। और मैं अभी देख रहा हूँ, इंटरव्यूज़ भी नहीं दिए, तो इसलिए लोग कब से बोल रहे थे कि भाई आपका कोई इंटरव्यू भी नहीं आया और आप लाइव भी नहीं आ रहे। तो काम कर रहा था मैं, एडिट हो गया है स्टैंड अप वीडियो नया, तो आप लोगों के लिए ही कर रहा था। और मैं कमेंट्स भी पढ़ते जाता हूँ। डार्लिंग मनोज की दूसरी आईडी जल्दी फॉलो करो। ए भाई मेरी को आईडी नहीं है। साहिल भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच साहिल भाई। शिवम एक शायरी, यस। तो शायरी यही कहना चाहूँगा कि तू, मैंने जो लिखा था एंड में, मैंने सोचा था स्टेज पे बोलूँगा, बट स्टेज पे ऐसा पब्लिक का जमावड़ा हो गया, तो केसू तू क्या था, हाँ कि तू जब मैं जीता तो मेरी यही फीलिंग थी। और मैंने सोचा था कि जब मैं जीतूंगा ये स्टेज पे शायरी कहूँगा कि तू साथ ना माँ पर साथ तेरा साया था, कितना मशहूर और कितना ही कमाया था। वो तोड़ने आए थे मेरे मिट्टी का महल, लेकिन बेटा मुमताज का उनका ताज छीनने आया था। तो दोस्तों, ताज से याद आया, मैं आपको ट्रॉफी दिखाता हूँ। एक मिनट मेरे को दे दो, 30 सेकेंड्स में मैं आपको ट्रॉफी दिखाता हूँ। अगर सदाकत गिरा नहीं, भाग के लेके जा गया है, और आते वक्त अगर गिरा नहीं तो 30 सेकेंड्स में ट्रॉफी आ जाएगी। अरे थैंक यू सो मच दोस्तों, मैंने सदाकत को ट्रॉफी जब हाथ में दिया तो सदाकत ने बोला कि भाई बहुत भारी है। मैंने बोला हाँ भारी तो बहुत पड़ी है मेरे को। रितेश भावा कसा है तू, मिलते जल्दी भेटू या। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों से मैं शुरू करना चाहूंगा कि मैं अभी तक इंटरव्यूज नहीं दिया, और सब लोग एक ही सवाल मुझसे कर रहे हैं कि आप इससे कब मिलोगे, उससे कब मिलोगे। तो प्लीज मैं सबको बोल दूं कि अभी सब लोग बिग बॉस से निकले हैं, सबको वो अटेंशन अट्रैक्शन है, सबको अपना अपना एंजॉय करना चाहिए। और 105 दिन इन लोग की शक्लें देखी है भाई, नहीं देखने का है मेरे को वापस इन लोग को, थोड़े टाइम तक तो एटलीस्ट नहीं देखने का। तो बाकी सब ठीक है, और बिग बॉस में आप लोगों को पता है, ओरा को जानते हो सब लोग, ओरा NRI कैटेगरी में विनर था, बस यही बताना था मुझे। और नवीद जो था वो रनर अप था लेना NRI कैटेगरी में।
तो ये थोड़ा बस इन्फॉर्म करना था आप लोगों को। वाइफ कैटेगरी में अंकिता विनर थी, हस्बैंड कैटेगरी में विक्की भाई। दोस्तों मैं इंटरव्यूज इंटरव्यूज नहीं देख रहा, बस वही कुछ क्लिप क्लिप लोग भेज देते तो वो थोड़ी बहुत दिख जाती है। और अभिषेक से मैं जल्दी मिलूंगा, अभिषेक अभी बिजी है, शूट कर रहा है चंडीगढ़ में, बढ़िया बढ़िया काम कर रहा है मेरा भाई। अभिषेक के लिए बहुत सारा प्यार। हाँ, और आज दोस्तों मैंने जैसे बोला मैं काम कर रहा था, तो आज स्टैंड अप रिलीज हो रहा है 8 बजे, अबा कादर इज बैक, और लेजेंड्स ऑफ अबा कादर एक स्टोरी थी। जिन्होंने मेरा दो वीडियो देखे, हनीफ की शादी, काशिफ की दोस्ती, उसमें वही कॉन्टेक्स्ट है कि चार ऐसी चीज़ें जहाँ पे नहीं लोग हंस सकते वहाँ हंसा है, और अवेयरनेस भी ज़रूरी है कि किस तरह कॉमेडी है, और पांचवी आज अबा कादर के सेट में रिवील होगी। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, और 8 बजे वो वीडियो रिलीज होगा। मैं चाहता हूँ प्रीमियर पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस चीज़ को देखे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि स्टैंड अप मैं सच बताऊं मैं लाइव आना चाहता था सबसे बात करने के लिए, बट मुझे ऐसा था कि यार कुछ तो एक चीज़ लाइव में आके मैं अनाउंस करूँ कि यार स्टैंड अप आ रहा है या गाना आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो स्टैंड अप फाइनली आ रहा है। और बस स्टैंड अप को ट्रेंडिंग पे नंबर 1 पे लेके आ जाना, क्योंकि जो चीज़ जो अबा कादर की स्टैंड अप में उसकी मतलब उसकी नहीं मतलब डेथ के बारे में बातचीत है, तो अगर डेथ के बारे में बातचीत हो तो आजकल ट्रेंडिंग पे आई जाती है, मैंने सुना है ऐसा। तो अबा कादर को भी टनल तक छोड़ के आ जाओ आज सब लोग मिलके, और थैंक यू सो मच जनता को बहुत सारा प्यार। लाइव स्टैंड अप का प्रमोशन ऑफ कोर्स यार, अपना काम स्टैंड अप है। अबा कादर भी पूनम की तरह जिंदा हो गया, लॉट्स ऑफ लव, अनकंडीशनल सपोर्ट, थैंक यू सो मच भाई। फैंस ने बहुत सारा प्यार दिया है भाई, मुनोर की जनता और वॉरियर में बाहर आके देख रहा था जनता, क्या क्या कुत्ते लोग हो भाई तुम लोग, क्या कुत्ते लोग हो भाई, जो प्यार और जो पागलपन, थैंक यू सो मच भाई। सबको मैं बोलना चाहूँगा, भाइयों और बहनों को सबको, और दो दो लोगों के बारे में बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि सब लोग सुनना भी चाहते हैं कि भाई ये दोनों के बारे में आप बात करो। और सब लोग जब से मैं बाहर आया हूँ तब से वही चल रहा है कि सदाकत और नितिन ने बहुत मेहनत करी है, तो प्लीज़ ये दोनों के बारे में आप जब भी जो भी मैं जिससे मिल रहा हूँ सब लोग सेम चीज़ बोल रहे हैं, क्या सदाकत नितिन ने बहुत मेहनत करी है, तो मैं बस यही दोनों को बोलना चाहूँगा कि भाई तुम दोनों कोई एहसान नहीं किया, ठीक है अक्सर ठीक बाकी सब देखो दोस्तों आपके बहुत सारे क्वेश्चंस है, किससे मैं मिलूंगा, मैं किससे मिला, किससे फ़ोन पे बात की मैंने करी या नहीं करी, तो सब अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, और सबको अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश रहने दिया जाए और रहना चाहिए। जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी है वहीं पे उसको स्टॉप कर देना चाहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। आजमा फल्ला, अरे बदक, तो बस वहीं पे उन चीज़ों को रोक देंगे, और आगे बढ़ने के लिए काम शुरू हो चुका है, मैं आने के सेकंड डे से ही काम पे हूँ, तो बाकी सारी चीज़ें तो करे जा रहे हम लोग, और स्टैंड अप आ जा रहा है। और आज मैं रात में और भी एक चीज़ है जो मैं बाद में बताऊंगा, स्टैंड अप रिलीज हो जाने के बाद बताऊंगा। बाकी शाउट आउट टू मुनव्वर की जनता, वॉरियर्स, तुम लोग कितने क्रेजी लोग हो, और आप लोगों का कितना प्यार है, एक पूरी एक ऑडियंस है जिनका मैं बहुत दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा कि मुझे इतना प्यार दिया आप लोगों ने, बहुत सारा प्यार, और मैं बहुत खुश हूँ इस प्यार को पाके।
मैं जैसे रोज अब रास्तों पे ऐसे हो रहा है मेरे साथ कि मेरी मॉम आपकी बहुत बड़ी फैन है, मेरे डैड आपके बहुत बड़े फैन है, कोई मुझे कहता है कि मेरी नानी आपको देखते हैं, मेरी दादी आपको पसंद करते हैं, तो अब एक अलग ऑडियंस का प्यार मिल रहा है, तो वो अलग खुशी हो रही है मेरे को। और बाकी सब लोगों ने जो प्यार दिखाया, मैं लिटरली सबको मैसेज कॉल एक एक करके को करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और मुनोर की जनता, तुम हो ही ऐसी तादाद में कि मैं तुमको कॉल नहीं कर सकता, बट तुमको मैं हर दिन कुछ ना कुछ यहाँ पे देते रहूँगा, जिसकी वजह से मेरा वो आपको थैंक यू बोलने का तरीका रहे। तो स्टैंड अप रिलीज़ करने का रीज़न ही है कि आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, बट एंटरटेनिंग वे में कोलाब्रेशन बनती है अली ब्रदर्स। भाई मैं, आपने मेरे को इस लायक समझा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अली ब्रदर्स। बिल्कुल हम कोलैब करेंगे, चार लड़के म्यूजिक वीडियो में, सिर्फ चार लड़के म्यूजिक वीडियो में पक्का कोलैब करेंगे अली ब्रदर्स। और आप अली ब्रदर्स देख लो, आप सब जनता देख लो, इन अली ब्रदर्स ने मुझे म्यूजिक वीडियो के लिए बोला है, तीन लड़कों ने, तो हम बिल्कुल करेंगे। मैं बिल्कुल एक्साइटेड हूँ, और आपने मुझे इस लायक समझा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत कमाल। अली ब्रदर्स के लिए शाउट आउट यार, बहुत प्यारे बंदे और बहुत टैलेंटेड लोग हैं भाई। हाँ, और बाकी सारे हिप हॉप में से सब ने, और इंडस्ट्री में से टीवी सब लोग ने जो प्यार दिया है मुझे, मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा इन सब चीज़ों का। और जैसे चीज़ें अब आगे बढ़ेगी, आपको बेस्ट मुनोर देखने मिलेगा, और मुनोर की हर बेहतर चीज़ देखने मिलेगी। आपको जो कुछ भी देखना पड़ा वो मेरे हाथ में नहीं था, और जो कुछ भी चीज़ें हुई वो बिल्कुल मेरे हाथ में नहीं थी, बट जो होता है अच्छे के लिए होता है, कहते हैं कि हर चीज़ के पीछे एक मकसद होता है ना। तो हम हर चीज़ को अपने ऊपर लेना चाहिए। मैं कभी अपने फेलियर या किसी भी सिचुएशन का जिम्मेदार किसी को नहीं मानता। तो हमेशा आप एक चीज़ का ध्यान रखो कि किसी का फ़ैन होने के लिए किसी का हेटर होने की ज़रूरत नहीं है। तो बस ऐसे ही काम करते रहेंगे, अपना काम हम करें, दूसरों का काम वो लोग करें, बस और कुछ नहीं। हरियांशी हाय, मयूर ब्रो हाउ आर यू, बोल फटाफट शॉर्ट आउट। मनु भाई, मनु भाई बहुत प्यारे इंसान है। नितिन मेघनानी, हाय ब्रो हाउ आर यू। भाई शादी कब करनी है? अरे शादी कब करनी है नितिन, पूछ रहे लोग सदाकत की। नहीं भाई, मेरे को शादी नहीं करनी है। जस्सी पाजी, बहुत सारा प्यार जस्सी पाजी। और शादी नहीं यार, अभी शादी आदि का छोड़ो, अभी तो खेलने खेलने सॉरी नहीं, नहीं 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 खेलना है मिकाइल के साथ, तो अभी शादी वादी नहीं, अभी बाद में देखेंगे है ना। दो चार अभी तो बड़े प्रोजेक्ट करेंगे अच्छे से, फिर समझ सेट करेंगे चीज़, और फिर उसके बाद काम वाम करेंगे, थोड़ा करियर पे ध्यान देंगे, काम पे ध्यान देंगे। बढ़िया था DRJ मेरा भाई, लव यू। और अभी और 4 मिनट में हूँ, और उसके बाद मुझे कहीं जाना है दोस्तों। शादी आदि छोड़ो, अभी तो लूडो खेलना है। नहीं ब्रो, मेरी शादी करवा दो भाई। नहीं, मैं जब तक अभिषेक और सदाकत नितिन शादी नहीं करेंगे, मैं शादी नहीं करूंगा। ये तीन लोगों की शादी होने के बाद ही मैं शादी करूंगा। और दोस्तों मैं चाहता हूँ प्रीमियर सारे लोग ही देखे, जितने सारे लोग से मेरा मकसद है कि यहाँ पे कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, 221 मेरा मैक्स प्रीमियर देखा था लोगों ने, 60,000 हाईएस्ट जब रिलीज हुआ था काला जादू, तो मुझे अभी भी याद है। बहुत पागल हो गया था मैं, यहाँ यहीं पे सोफे पे उछल रहा था। तो आज भी मैं चाहता हूँ कि वो रिकॉर्ड टूट जाए, 1 लाख लोग देखे एक साथ प्रीमियर, क्योंकि अपना यूट्यूब पे मज़ा आता है अपने को, वहाँ पे जो चीज़ें होती है, और यूट्यूब पे और ज़बरदस्त चीज़ें आने वाली है। दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। भाई रजाक वाले मूड में, रजाक भाई वाले मूड में आना। अरे रजाक भाई तो अभी आएंगे भाई, अभी रमजान आ रही है, रजाक भाई आ जाएंगे। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ, थैंक यू सो मच भाई। और बाकी सारे जितने भी मुनव्वर की जनता और मुनव्वर के वॉरियर्स में जितने भी फैन पेजेस है, वो सारे फैन पेजेस बहुत
तोड़ू काम करते हैं, आप लोगों ने क्या क्या एडिट्स बनाए यार, बहुत क्रेजी एडिट्स बनाए। और मैं डोंगरी की बात शेयर करना चाहूँगा। डोंगरी पे जब मैं गया, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि हाँ लोग होंगे, बट इस तरह लोग होंगे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो जितनी भी पब्लिक डोंगरी पे आई थी, डोंगरी की तो थी और बाहर की भी पब्लिक थी, तो वो सारी पब्लिक जो वहाँ पे थी, मैं आपसे अगर मिल नहीं पाऊँगा या आपको देख नहीं पाऊँगा, फ़ोटो पॉसिबल नहीं था, लेकिन मैं दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए आए, और मैं ये कभी नहीं भूलूँगा, हमेशा वो चीज़ को मैं अपने जहन में और यादों में रखूँगा। और बाकी सबका थैंक यू करना चाहूँगा, जितने लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, जितने लोगों ने प्यार किया, वो चाहे इंडस्ट्री से हो या फैंस हो। मैं बहुत पागल जोन में जी रहा हूँ कि मज़ा आ गया। कुछ सवाल हुए तो आने दो दोस्तों, दो मिनट है तो हम थोड़े सवालों के जवाब। और फैन बॉय मुनावर की खातिर, मुनावर की खातिर भी अच्छे एडिट बनाता है, किंग्स आर्ट भी अच्छे बनाता है, फारूक के लिए स्मार्ट हैकर भी अच्छा बनाता है भाई। लड़की पटाने की ट्रिक्स, अरे भाई कहीं आगे बढ़ो यार जरा, क्या कुछ नहीं रखा, ये सब मत करो। सच बोल रहा हूँ, मत करो। दिल्ली कब आओगे? ये बिल्कुल जल्दी आएंगे, दिल्ली भी, दिल्ली तो आना बनता है। आयशा के साथ बात हुई? नहीं, आयशा के साथ बात नहीं हुई है। आयशा के साथ ये क्या क्वेश्चन है भाई, आयशा के साथ बात हुई? आयशा से क्यों बात होगी? ओनली मुनावर फारूकी भी बहुत सारा प्यार। ढाबे पे पार्टी, जैनब आई रिमेम्बर, आई आपको फुल सपोर्ट है, शुक्रिया यार, बहुत 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 शुक्रिया आप सबका। और इसी के साथ दोस्तों 7:20, और जैसे कि वादा था, यहाँ पे जाने से पहले एक ही चीज़ बोलूँगा, आप सबका शुक्रिया मैं जितना करूँ उतना कम है, क्योंकि मैं हमेशा यही मानता हूँ कि जनता ने जो बना दिया है वो प्योर लव है, वो इतना प्योर लव है कि मैं क्लियरली जानता हूँ कि इसमें कोई मिलावट नहीं है। बाकी हर चीज़ में हो सकती है। और रही बात रिश्तों में क्लैरिटी की, तो मुनव्वर और जनता का एक रिश्ता है जो बहुत क्लियर है, और ये रिश्ते से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कोई रिश्ता क्लियर है, और ये रिश्ता इसी तरह क्लियर रहेगा। और मैं दुआ भी करूँगा कि ये रिश्ता ऐसे ही मजबूत बना रहे। और तुम लोगों को कल्ट बोलते ना, तुम लोग सच में कल्ट हो यार, खतरनाक, बहुत सारा प्यार। और मैं हमेशा ये याद रखूँगा कि मैं कहता था ना कि कभी आंख लगे तो थाम लेना हाथ मेरे, तो सच में आप लोगों ने हाथ थाम लिया, और ये मौका मैं कभी नहीं भूलूँगा। इसी तरह प्यार देते रहना, और मैं तो आते रहूँगा, अभी थोड़ा काम में बिजी हूँ, चीज़ें कंटेंट वाइज ही क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, और बड़े 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 काम हो रहे हैं, बढ़िया मज़ा आ रहा है, और साथ में मिल के लेगेसी बनाएंगे, और ऐसी लेगेसी बनाएंगे ना लोहे जैसी, कि पूरा इतिहास पूछता रहेगा कि किसकी है ये, ऐसी लेगेसी बनाएंगे, इतनी मेहनत करेंगे, इतना काम करेंगे, और बस किसी को चुप कराने की ज़रूरत नहीं, अपना काम चलेगा तो ताले अपने आप लग जाएंगे जबानों पे और दुकानों पे। थैंक यू सो मच, love you.